जो कि है रूम टोन। सो देखो, यहाँ है मेरे रूम का दरवाजा एंड एक्चुअली मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ था बट ये किसी तरीके से मतलब उखड़ गया इसलिए ऐसा हो गया। चलो नो प्रॉब्लम। इधर जैसे आप आओगे तो आपको दिखेगा एक कबर्ड। वैसे तो उसमें मैं अपना हाइट मेजर करती हूँ, जैसे कि अभी मेरा हाइट इतना है, मैंने लिखा नहीं है बट ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है अचीवमेंट, जब मेरा हाइट इतना हो जाएगा। इतना लंबा? हाँ, एक्चुअली मेरे को इतना लंबा ही हाइट चाहिए। एंड अब आओ अंदर, बाहर से वेलकम करेंगे क्या। इधर आपको दिखेगा सारा मेरे स्टेशनरीज, माय बुक्स, कलर्स और स्केच पेन, डायरी, सब कुछ इधर दिखेगा। और लास्ट वाले रैक में इधर, और ये मेरा बुक रैक है पूरा, और नीचे मेरे कुछ क्राफ्ट्स के आइटम है। आप लोग ये मत सोचना कि मेरा पूरा रूम टाइलिंग वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा रूम एकदम नॉर्मल है बट बहुत सुंदर है, जिसे मैंने अपने तरीके से डेकोरेट किया है। और इधर जो मैंने बताया ना बुक रैक, उसके जस्ट बगल में मेरे श्री कृष्ण मामू की फोटो लगी हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। मैंने एकदम चिपका रखा है, जब भी मैं थोड़ी सैड होती हूँ तो इसको देख लेती हूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है एक्चुअली ना, मैं रो रही थी, मेरे को ये वाला टॉप नहीं पहनना था, मम्मी ने ज़बरदस्ती पहना दिया था, इसलिए मैं रो रही थी और मेरा पेट निकाला हुआ था। ऊपर एक स्विच बोर्ड है और इधर एक ये है, इसके अंदर मैं अपना चार्जिंग पॉइंट का सारा रखती हूँ, मेरे चार्जर्स, टैप का चार्जर। इधर आप लोग देखोगे एक ट्विनिंग लाइट, अभी मैं जलाऊंगी नहीं, पता नहीं एक दिन ना इसका यहाँ से कुछ वायर निकल गया था, इसकी वजह से मेरे को बहुत जोर से करंट लगा था, इसलिए मैंने अभी इसको वैसे ही रख दिया। आई थिंक हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा बट ठीक है। इधर आप लोग देखोगे बहुत सुंदर सा एक कोट, वेलकम टू माय रूम, गुड वाइब्स ओनली, हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ, लीव लव लाफ। जस्ट बगल में मेरा स्टडी टेबल है, जहां आप लोग मेरे को देखते हैं कुछ भी क्राफ्ट करते हुए, पढ़ाई करते हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसके जस्ट बगल में आपको दिखेगा एक प्यारा सा साइड टेबल। नेक्स्ट एक और साइड टेबल, एक्चुअली इस पर मैं कुछ ट्रीज, अपनी फोटोज, ये मेरे स्कूल में फंक्शन था वो रखती हूँ। और इधर मेरे चश्मे का डिब्बा है जिसके अंदर मैं चश्मा रख के सोती हूँ, और माय आई मास्क। एंड इन दिस, ये मैंने रूबिक्स क्यूब बनाया फ्रांस एंड इंडिया का कॉम्बिनेशन है ना, मैं यही बहुत दिन से ट्राई कर रही थी बनाने का। वंस अगेन वेलकम टू माई रूम। एक्चुअली ये मैंने 1 ईयर पहले बनाया था, तो अभी तक तो ये थोड़ा पुराना हो गया, बट मैंने सोचा है फिर से इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। और इधर वाली वीडियो तो आपने, इधर मैंने कुछ टूथपिक रख रखा है, आई डोंट नो व्हाई ऐसे ही रखा हुआ है। और इधर ये इसकी वीडियो तो आपने देखी है, और नहीं देखी है तो जाके देख लो। और इधर आपको दिखेगा एक प्यारा सा प्लांट, कैल्शियम की दवाई और पॉपेट, और मेरी प्यारी सी डॉल। नो, दैट्स नॉट अ डॉल, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। या गाइज, यू आर डेफिनेटली राइट, दिस इज अ किचन, बट अगर मैं इसको बैग में टांग के गई तो हमारी मैम हमें सीधा स्कूल से बाहर निकाल देंगी, क्योंकि हमारे स्कूल में टॉयज लाना एक्चुअली अलाउड नहीं है। नो प्रॉब्लम, इधर आओ। इधर है जहाँ पे हम लोग कम्फर्ट करके सो जाते हैं रात में, और आराम से सुबह उठते हैं शाम टाइम पे, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और नॉर्मल टाइम पे तो मतलब से चिपके रहते हैं हम लोग। सो ये है मेरा प्यारा सा बेड। एक्चुअली मैं बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं जिन्हें मम्मा ने ऊपर चढ़ा दिया है, यही बोल गई बेड पे जगह है नहीं, कि अगर ऐसा किसी दिन ना हो जाए कि तुम्हारे सॉफ्ट टॉयज से तुम्हारा पूरा रूम भर जाए और तुम रूम से बाहर, ऐसा ही कभी हो सकता है, इसीलिए मम्मा ने मैक्सिमम सॉफ्ट टॉयज ऊपर चढ़ा दिया। और ये दोनों तो मेरे को बर्थडे में मिले, और ये मेरे को मेरी प्यारी ईशु दीदी ने दिया है रक्षाबंधन में। इसको मैं डेली रात में से ऐसे पकड़ के सोती हूँ, आई लव्ड इट अ लॉट। मतलब मैंने दीदी से स्पेशली बोला था, अगर दीदी आपको मेरे को रक्षाबंधन में कोई गिफ्ट ना समझ आए ना तो आप यही गिफ्ट दीजिएगा मेरे को। इसका नाम पता क्या है? बिंगो। मतलब मैंने बहुत सोच समझ के इसका नामकरण किया है इसको मैंने टीका लगाया था बट फिर मिटा भी दिया। एंड एक्चुअली मैंने इसको एंड ये डॉगी, नो दैट्स नॉट अ डॉगी, दैट्स अ शिप यार। शिप नहीं है, डॉग है। ठीक है, डॉग है, चलो मान लिया डॉग है तो ये डॉग, ये डॉग है, ये दादी ने मेरे को क्रिसमस में गिफ्ट किया था, ये प्यारा सा क्रिसमस सांता क्लॉज का कुशन। एंड देन गाइस, ये रजाई एक्चुअली ना, ये रजाई का ऊपर चढ़ने का मुहूर्त ही नहीं आ रहा, जब हम लोग इसको सोच रहे हैं कि अब ऊपर चढ़ा देंगे तब मौसम पूरा ठंडा हो जा रहा है। एक बार बाहर का मौसम देख लो, कैमरा
मौसम दिख बहुत क्लियर रहा होगा लेकिन है बिल्कुल नहीं गाइस, यहाँ पे पूरा क्लाउडी क्लाउडी वेदर हो रखा है, मतलब क्या ही बताऊं मैं। और इसके बगल में है हमारे प्यारे 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 भगवान जी, जिन्हें मैं डेली सुबह उठ के प्रणाम करती हूँ। यहाँ तो नहीं आती बट बेड पे बैठे बैठे ही जरूर। कि जस्ट बगल में है मेरा प्यारा सा रिंग लाइट, और आप लोग इसको ट्राइपॉड भी कह सकते हो, जिससे मैं अपनी जनरली वीडियो शूट करती हूँ। जब मम्मा कुछ काम कर रही हो तब मैं इसी पे ऐसे सेट करके समथिंग ऐसे हाय गाइस चलो मेरा रूम बहुत प्यारा है तो उसे अरेंज करते हैं, फिर एक सेट उसको बारह में कोई एक सेट करना पड़ता है, जैसे इधर का ये कॉर्नर फिर उधर का कॉर्नर, तो वैसे मैं हमेशा करती हूँ। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना, नहीं आप लोग ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, मैं ही बोल देती हूँ ऐसा कि देखो मेरी ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैबिट है कि जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ ना तो मैं उसको इस बोर्ड पे नोट डाउन करती हूँ, हर चीज़ नोट डाउन करती हूँ, और मतलब मैं खुद ही टीचर बन जाती हूँ और अपने सारे सॉफ्टवेयर को पढ़ाती हूँ कि देखो वर्ब आज, मतलब जैसे मैं ग्रामर पढ़ती हूँ या मैथ्स पढ़ती हूँ, जनरली मैं ग्रामर ही करवाती हूँ बोर्ड करवाती हूँ बोर्ड पे करती हूँ बोर्ड पे, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ के उसको दोबारा किसी को पढ़ा दो ना तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। जैसे मैंने नाउंस पढ़ा है, प्रीपोजिशन, एग्जेक्टिव, वर्ब्स, वो डेली डेली मैं एक एक टॉपिक डेली करती हूँ और डेली उसे बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ बनाया। और एक्चुअली ना थोड़ा सीमेंट उखड़ गया, जैसे वो बार बार चिपक ही नहीं रहा था, मैंने पहले ऊपर चिपकाया फिर इधर वो पूरा। अभी तुम्हारे रूम में पेंट का जरूरत है बहुत ज्यादा। ये देखो ये यहाँ पे एक्चुअली मैं ना कुछ डीआईवाई करने की कोशिश कर रही थी और मैंने उसको उखाड़ा और वो पूरा सीमेंट उखड़ गया। मैं लिटरली वो शिट पापा से मार खाएंगे यार हम, अब क्या करें। फिर मैंने सोचा छोड़ो, बोल दे कि बारिश की वजह से उखड़ गया लेकिन पापा ने ऐसा नोटिस नहीं किया। एंड इधर इधर मैंने बहुत ब्यूटीफुल सा ये बनाया, स्टार्ट योर जर्नी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब का एक लोगो, सो जल्दी से आप लोग खूब सारा प्यार दो और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से कर दो। आपने मेरा वीडियो देखा होगा ना किचन सेट का, मतलब डॉल हाउस का, तो वो पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था बट धीरे धीरे वो उसका स्पेस कम होते गया। पहले मेरा किचन सेट इधर था तो भाई इतना ज़्यादा था और मेरा बेड उधर था, इस तरफ था। आपने मेरी पहले की वीडियो तो देखी होगी ना, इतना सा। फिर मम्मी ने इसको पहले वो वाला मेरा साइड टेबल नहीं था, पहले मेरा साइड टेबल था किनारे में था तो वो और इतना सारा स्पेस था, फिर इतना बोला भाई हमको नहीं रखना यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे भी थोड़ा कंजेस्टेड है बट ठीक है, नेवर माइंड, जब बड़ा घर होगा तो एकदम बड़े से डॉल हाउस सजाती हूँ मैं, सजाऊंगी। बट तो तुम अभी भी डॉल हाउस से खेलो? हाँ, मेरे मन में यही क्वेश्चन आया था, मैंने पापा से ही बोला था, पापा बोले कि तब तक 8 क्लास से जाओगे फिर भी तुम डॉल हाउस से खेलोगे। हम बोला हाँ मेरा रूम कम स्टोर रूम ज्यादा बना देती है। इधर देखो मेरे सारे गिफ्ट मैंने मम्मी के रूम में रखे थे बट मम्मी को सहन नहीं हुआ और मम्मी मेरे रूम में ला के रख दी। तो इधर मैंने सारे बोधे के गिफ्ट रख रखे हैं, कुछ यहाँ पे मेरे क्राफ्ट के आइटम्स है कुछ। एंड ये पूछोगे क्या है, यहाँ पे मेरे को सफाई करने बहुत ज्यादा आलस आता है इसलिए मैं ऐसे मार देती हूँ हर जगह, वो साफ हो जाता है। ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे मैंने 2 दिए जला रखे हैं, मेरे को मतलब मन करता है दिए रख रखे हैं, मेरे को मन करता है एनाबेला बोला वो करूँ ऐसे कैंडल जला के एनाबेला, और देखते हैं वो आती है मिरर पे या नहीं। अगर ये वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, और हम तुमको रात में 12 बजे अकेले छोड़ देंगे आप भी जगोगी? हम नहीं जगेंगे। So guys, आज हम लोग चैलेंज करने वाले आने वाला का, तो सोचो तुम सही मगर किसी ने कमेंट किया। मजाक कर रही थी यार, ठीक है। इधर है मेरा बाथरूम जिसे पहनकर मैं काफी ज्यादा राइसी बनती करती हूँ, और इसके अंदर नहीं यार थोड़ा फैला हुआ है इसके अंदर मेरे कपड़े हैं जो नहीं दिखा सकती, और उसके जस्ट ऊपर मैंने बनाया है शुभ इज इक्वल्स टू लाभ। सो ये है मेरा प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल जिसके इधर वाले ड्रॉर पे मैंने रख रखा है कुछ मालाएं इधर वाले ड्रॉर पे मैंने रखा है अपने सारे रिंग्स, इधर वाले ड्रॉर पे मैंने रखा है स्पॉन्ज और वो स्ट्रिप है और सेफ्टी पेन है, स्क्रंचीज। ये गाइस वायर का डिब्बा है, सब जुगाड़। इसके अंदर मेरे सारे इयर रिंग्स है, लेकिन तुम पहनती तो एक भी नहीं हो, कान वैसा नहीं है। ये वाले देखो, ये सब सिर्फ ऐसे अंश ने रखा हुआ है कि कभी इसको फ्यूचर में पहनने का मौका मिले। ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, ऐसी इयररिंग है ये। और
ये ट्रायंगल वाली दोनों के, दोनों इयररिंग के मेरे पास पेयर्स है, बस मैंने एक एक दिखाया। ये तो मेरा है अरे दो अरे दो दो टूर चाहिए ना, क्योंकि पीछे ये सब बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका अगर आपको टूर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग टेबल टूर। हाँ, ड्रेसिंग टेबल टूर अच्छे से एकदम फुल चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसके अंदर है मेरे सारे हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स और हेयर बैंड्स और यहाँ पे कुछ कुछ मैंने रख रखा है, मोती वोती है, और इसके अंदर मेरे सारे ब्रेसलेट है, इतना तो मेरे पास भी नहीं है अंशी। वही ना। और हाँ, डेली ये सोचो रात में सोने से पहले आई एम द क्वीन ऑफ द डे, इसलिए मैंने यहाँ पे रख रखा है। स्किन केयर करने के बाद हमेशा मैं लगा लेती हूँ और क्या बोलती हूँ कि आई एम क्वीन, आई एम द क्वीन। हम ले लेंगे बाद में। अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो, इधर आओ। मैं डेली इसको ऐसे मिरर के सामने खड़ा होती हूँ, आई एम द क्वीन ऑफ द डी मिरर। लास्ट, आई एम द क्वीन ऑफ द डे, मेरा डे बहुत अच्छा गया, आई एम द बेस्ट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, वही फाइव लाइंस मैं सुबह उठ के भी रिपीट करती हूँ और रात में भी सोने से पहले सच में करती हूँ। रियली? झूठी? सही में? हाँ। वाव अंशी, अब हम भी करेंगे फिर तो। तुम तो इन्फ्लुएंसर हो ना, तुम्हारा तो स्टाइल कॉपी कर सकते हैं ना। As you wish. देखो गाइस, मैं काफी ज्यादा बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हूँ, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो चाहिए ना। बस हमें नहीं चाहिए। नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन में हो, पहले आप मैम। मैं डिप्रेशन में कभी नहीं रहती हूँ, बस वो अलग बात है, मेरा फेवरेट सॉन्ग कहानी सुनो है। आप डिप्रेशन में हो? नहीं, हम डिप्रेशन में नहीं है, हम डिप्रेशन में नहीं है। आपका वीडियो ही ऑन नहीं होगा। ऑन है। ओह, आजकल आप कंफ्यूज नहीं हो रही? आजकल हम ही रॉन्ग। और हाँ, एक्चुअली मेरा एक और कमेंट आया हुआ है कि क्लोथ तोड़ दो तो गाइस, आजकल पता नहीं मेरे में लैंग्वेज को क्या कहूँ, तुतला क्यों रही हूँ, तुतला होता है, टोटला होता है। ओके, मजाक कर रही हूँ। मेरे एक और सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि दीदी प्लीज, नॉट दीदी ओके, अंशी का प्लीज अपने क्लोथ तोड़ दो, नॉट टोर इट, पोर गाइस। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि अंशी का प्लीज गिव योर क्लोथ टूर, तो आई डेफिनेटली ब्रिंग दैट वीडियो। एंड तब तक आप लोग मेरे वीडियोस पे बने रहो, और अगर आपने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो जल्दी से ऑन कर लो, क्योंकि अगर मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो वो आपको पक्का पता चल जाएगी, इसीलिए बेल आइकन ऑन करो, मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, लाइक माय वीडियोस, बाय बाय। और हाँ, एक और चीज गाइस, मतलब मेरे रूम में एक नेचुरल एसी है और एक फैन भी है, नेचुरल फैन, और वो जो आप लोग देख रहे हो ना, वो चीज, वो रात में इतना ठंडा हो जाता है ना, मम्मा पापा के रूम में एसी है तो उधर से भी हवा, इधर से भी हवा, मतलब वो छज्जे से भी हवा आती है, तो मतलब पंखे की भी हवा, तीन एसी है। यही है मेरा प्यारा सा छोटा सा रूम, आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड जैसा कि मैंने बताया, अगर कमेंट बॉक्स ऑफ होगा ना मेरा, तो जल्दी से कम्युनिटी पोस्ट पे जाके कमेंट कर दो, बहुत अच्छा सा, और आपको जो भी वीडियो चाहिए वो। सो आप लोग ऐसा सोच रहे होगे कि मेरा रूम काफी ज्यादा बड़ा है, क्लासी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा है बट प्यारा है, और जब बड़ा होगा उसका भी रूम टूर आपको मिल जाएगा। सो बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।